तो फाइनली हम शोरूम पे पहुंच गए हैं और अभी चलो चलते अंदर। स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है? बहुत अच्छा लग रहा है, अलग से ही रोड पे चमकेगी ये वाली। तो ये वाली लेनी है, कलर चेंज करेगी अब उसका। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, कल था सिब्बू का बर्थडे और हम शाम को गए हुए थे सिब्बू के पास और लेट नाइट घर पे आए हैं। नींद पूरी नहीं है बिल्कुल, अभी काम वाम करके नहा धो के खाना वाना सब मैंने खा लिया है। चीनू को फिर मैंने बाद में उठाया, तो अभी थोड़ी देर सोएंगे क्योंकि नींद पूरी बिल्कुल नहीं है। तो भाई अच्छे अच्छे कमेंट कर देना, बर्थडे विश कर देना सिब्बू को। तो भाई ये चीनू सुबह सुबह देखो मुंह बना के खड़ी है, क्या हुआ? ये क्या बात है, हाँ ये क्या बात है, क्यों नहीं जाना? नींद खराब हो गई। अब चीनू ये जो नींद खराब होएगी ना, ये आगे तेरे काम आएगी। मुझे नहीं जाना। चलो बाय। बस इसलिए जा रही हूँ, स्कूल में स्विमिंग है, नहीं तो मैं नहीं जाती। अच्छा, आज स्कूल में आऊंगी तेरे, ठीक है? आ जाना, फिर पूछूंगी टीचर से क्या बात है। चल बाय, जल्दी पहुंच जा। तो गाइस, ये चीनू अभी उठी है, उठते ही खाना खाने लगी और ऐसे बोल रही है कि मेरे को 5-6 दिन हो गए रोटी खाए। चीनू सच्चा ये बात, या घर का खाना? गुड़गांव में चावल 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 चावल, बस फैक्ट्री खोल लेगी चावल की। और रोटी खाते खाते रचित का ब्लॉग देख रही है, ये देख लो कैसी बनी चटनी। और ये क्या है, ये घिया का रायता, बहुत अच्छा है। अच्छा लग रहा है ना? बस बिल्कुल। चल ठीक है, खा ले फटाफट से। तो गाइस, अभी चीनू आई है ट्यूशन से। कैसा रहा ट्यूशन चीना? बहुत अच्छा। कौन है? और सुनाओ, मैं तो सो गई दिन में। देख गेट पे कौन है, देखना कौन है। तो गाइस, आपको पता है जब से चीनू की स्कूटी ली है तभी से उसमें दिक्कत है, तो आज हमने सोचा है कि इसको वापस देने चलते हैं, ठीक रहेगा? फिर अब क्या करें जब उसमें प्रॉब्लम है? तो नहीं दिलाना, सब कुछ चीनू को नया चाहिए। तो फिर मेरी पुरानी ये पुरानी है, ये नहीं है, एक साल ही तो है, तो फिर इसको क्यों बेच रहे हो? वही तो बता रही है कि उसमें प्रॉब्लम है, मुझे क्या पता। बेचो मत। अब क्या हुआ, क्यों बेच रहे हो? तो नहीं दिलवाना, ठीक है, नहीं आ जाएगी, ठीक है। चले अब। तो भाई चलो, स्कूटी को वापस दे के आते हैं शोरूम पे। बंद कर दूं मैं यहाँ से? तो गाइस ये देखो हरियाली कितनी बढ़िया लग रही है और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है। बस एक दिक्कत है, रोड वोड खराब है। फाइनली हम शोरूम पे पहुंच गए हैं और अभी चलो चलते अंदर। चलो भाई चीना, स्कूटी लेनी है, बाइक लेनी है, कुछ भी, ठीक है। क्या पता चीनू को रक्षाबंधन गिफ्ट मिल जाए, नई स्कूटी हो सकता है, एंटोर्क चाहिए। हाँ चीनू, एंटोर्क लेनी है? तो ऐसे तो वो जुपिटर भी है, फिर नहीं ऐसा नहीं है। तो गाइस ये देख लो, कलर काफी सारे आ गए हैं इसमें। ये भी अच्छा लग रहा है, पर्पल तो बहुत अच्छा लग रहा है, अलग से ही रोड पे चमकेगी ये वाली। तो ये वाली लेनी है, कलर चेंज करेगी अब उसका। आप चेंज कराने आए तो हैं? नहीं, ब्लैक तो आते नहीं, तो इस वाली को ब्लैक रैपिंग करा लूंगी। ठीक है, जैसा सही लगे। अभी कौन सी डन करनी है? अभी मुझे लेनी है, मुझे टीवीएस से नहीं लेनी है, मुझे ये हमार से लेनी है, यामाहा से, यामाहा एरोक्स। तो गाइस मैंने चीनू को पागल बना दिया कि तेरे को नई स्कूटी दिलवा के ला रही हूँ। मैं आई थी स्कूटी का इंश्योरेंस करवाने, ये रहे कागज, और चीनू बाहर खड़ी है, उसको मैंने पागल बना लिया। अभी जाके उसको, मतलब मैं कुछ बताऊंगी नहीं। तो चलो, चीनू खुश है कि इसको नई स्कूटी मिलेगी फिर से, पर ऐसा कुछ नहीं है, नई वही कुछ नहीं मिलेगी, अभी उसकी नई है स्कूटी। ये खड़ी हुई चीनू,
चले। वो आंधी आई हुई है चीना। क्या माहिर? कौन? क्या बताया? अरे नहीं तो स्कूटी है हमारी है? चले तू क्रेन पे बैठ जा आगे। भाई आंधी तूफान आया हुआ है, कभी हम उड़ ना जाए। मैं तो कस के पकड़ के बैठूंगी चीनू को। लेके आओ।